दोस्तों पिछले ऑलमोस्ट 13-14 महीने से मैं फोर सास बीयूएसडी में वर्क कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। और फोर सास बीयूएसडी में काम करते हुए वर्क करते हुए मैंने यहाँ पे 28,000 से ज्यादा लोगों का परिवार बनाया है, टीम बनाई है। और अगर अर्निंग की बात करूं तो मिस्टर नेमराज जी के साथ में मिलकर अभी तक 90 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम पिछले 13-14 महीने में हो चुकी है। और लाइफ 360 डिग्री के एंगल से चेंज हो चुकी है। मैं क्यों बोल रहा हूँ 360 डिग्री के एंगल से चेंज हो चुकी है, क्योंकि 4 साल से पहले मैं कभी महीने के 15-20 हजार रुपए कमाने का भी सपना नहीं देख पा रहा था। और एक स्टूडेंट था मैं 4 साल से पहले, स्टूडेंट हमेशा रहूंगा, सीखता हमेशा रहूंगा, बट मैं, मेरा पढ़ाई चल रहा था उस टाइम पे, मैं बीएड सेकंड ईयर कर रहा था जब मुझे 4 साल बिजनेस के बारे में पता चला। और एक स्टूडेंट, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है वो मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे, वो समझ पाएंगे मेरी बात को। हम लोगों पे बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है कि इन फ्यूचर हमारी लाइफ कैसी होगी, क्या हम कुछ 5 रुपए कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे, हमारी लाइफ सिक्योर हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। अगर हम लोग देखिए किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने की, कि इन फ्यूचर हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, तो उसके लिए आपके पास में कुछ ना कुछ पूंजी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ आइडियाज होने चाहिए, एक सेटअप होना चाहिए, वो मेरे पास में था नहीं। अगर देखिए कि आपको लाइफ सेट करनी है अपनी, तो आपके जो भी पापा जी है, दादा जी है, या फिर जो भी परिवार के मेंबर्स हैं, उनका एक अच्छा बिजनेस होना चाहिए ताकि उनके बिजनेस को आप कंटिन्यू कर सको और वहां से आपकी लाइफ सेट हो जाए। वैसा भी मेरे साथ में कुछ था नहीं। मेरे पापा जी एक सरकारी टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, और अभी वो रिटायर हो चुके हैं पिछले 3 साल पहले। पहले ठीक ठाक 1 लाख रुपए के आसपास का उनका तनख्वाह था, बट अभी 30,000 के आसपास है। हम 4 भाई है, 4ों की शादी हो चुकी है, खर्चे बहुत सारे हैं, पापा जी के खुद के कुछ बीमारी वगैरह के लग जाते हैं, कुछ दवाई वगैरह के लग जाते हैं, खान पान घर में और भी चीजें, तो वो 30,000 रुपए 40,000 रुपए मिलते वो तो वहीं पे खर्च हो जाते। तो हमारी लाइफ को लेके मैं बहुत ज्यादा इनसिक्योर था, बहुत ज्यादा ये फील होता था कि यार क्या कुछ हो पाएगा, क्या कुछ मैं कमा पाऊंगा। फिर मुझे 4 साल मिला। 4 साल को मैं करना नहीं चाहता था, देखना भी नहीं चाहता था। 4 साल मेरे माइंड से भी बाहर था। जब बताते थे लोग, यहाँ पे विश्वास नहीं होता था, सीखना ही नहीं चाहता था कि इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, इसके बेसिक्स क्या है, फंडामेंटल्स क्या है। बट फाइनली एक दिन किस्मत चमकी मेरी, और मैं कहूंगा वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन रहा, जिस दिन मुझे मिस्टर नितिन व्यास सर ने एक छोटा सा वीडियो भेजा था। मिस्टर नितिन व्यास मेरे अपलाइन है, मेरे बहुत अच्छे मित्र है, काफी टाइम से मेरे उनके साथ में संबंध रहे हैं। तो उन्होंने मुझे जब वीडियो भेजा, उस टाइम पे मैंने सोचा यार ये बंदा अगर कुछ बता रहा है, कुछ बोल रहा है, तो ये बंदा ऐसे ही नहीं बताता, हवा में बातें करने वाला है ही नहीं। जो यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर चुका हो, जो बहुत बड़े लेवल पे ऑलरेडी पैसे कमा चुका हो, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़े लेवल पे नाम कर चुका हो, वो बंदा ऐसे ही तो कुछ बिना स्टडी के हाथ डालता नहीं है। उस टाइम से मैंने सीरियस लेना स्टार्ट किया, उस टाइम से इसके बारे में लर्न करना स्टार्ट किया। कुछ भी नहीं जानता था, आई वॉज टोटली न्यू इन ब्लॉकचेन, क्रिप्टोकरेंसी एंड ऑल दीज थिंग्स, जो भी आप सुन रहे हो, कुछ भी नहीं पता था। फर्स्ट टाइम मैंने जानने की कोशिश की। हाँ, 4 साल का तो नाम पिछले 3 महीने से सुनता है, मैं आ रहा था बहुत सारे लोगों से। फिर फाइनली मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया। जब मैंने इसको स्टार्ट करने का एक डिसीजन लिया था कि यस आई वॉन्ट टू स्टार्ट इन 4 साल, मुझे इसमें वर्क करना है एंड मुझे भी इसमें नेटवर्क बनाना है, उस टाइम पे दिक्कत ये थी, प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास में जो बेसिक अमाउंट होता है, मतलब जो मिनिमम ज्वाइनिंग अमाउंट होता है, वो भी मेरे पास में नहीं था इसको ज्वाइन करने के लिए। और वो मैंने एडजस्ट किया, मेरे अप्लायंस से एडजस्ट किया, उनसे मैंने कहा मैं आपको वापस रिटर्न कर दूंगा। उनके साथ में मेरे अच्छे टर्म्स रहे हैं, सो दैट्स वाई उन्होंने मुझे दे दिए। और उनको भी ये पता था कि अगर मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया तो मैं बहुत बड़े लेवल का भी कर सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे साथ में प्रॉब्लम थी। आप में से कितने लोगों के साथ में ये एक्चुअली में प्रॉब्लम रही जब आपने स्टार्ट किया 4 साल को, एक बार हैंड रेस करके बताइएगा, जिनके पास में एक्चुअली में ज्वाइनिंग अमाउंट भी नहीं रहा। ओके, काफी सारे लोगों के पास में। ये सच्चाई है मेरे दोस्त, जब हम इस सिस्टम को स्टार्ट करते शुरू करते तो हमारे पास में ज्वाइनिंग अमाउंट तक भी नहीं होता। उन्होंने मुझे ज्वाइनिंग अमाउंट दिया एंड मैंने बहुत जल्दी उनको लौटा भी दिया और स्टार्ट हुई जर्नी। पहले महीने में बहुत ज्यादा संघर्ष रहा, बहुत ज्यादा चीजों को सीखने में डिफिकल्टी रही, क्योंकि जब हम किसी भी एक ऐसे
फील्ड में जाते हैं जिसके लिए हम बिल्कुल अनजान हो, तो हमें पता ही नहीं होता करना क्या है, लोग बोल क्या रहे हैं, बातें क्या हो रही है। पहले जो सिस्टम मैंने किए थे प्रोडक्ट बेस वाले बहुत इजी लगते थे, सुनने में बड़ा मजा आता था, प्रोडक्ट है इससे हड्डियां ठीक हो जाती है, इससे मोटा हो जाता है, इससे पतला हो जाता है, इससे ये है मार्केट की प्रोडक्ट से ये इस तरीके से बेहतरीन है, तो वो सारी चीजें समझ में आ रही थी। बट इसकी कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही थी। एक तो सीखते हुए मैंने मतलब बहुत ज्यादा इसमें टाइम लगाया, बहुत ज्यादा लर्निंग पे फोकस किया, एंड आफ्टर दैट बहुत ज्यादा लोगों को बताया, तो वही चीजें है नेटवर्क मार्केटिंग में इतने ज्यादा फ्रॉड्स हो चुके हैं अभी तक, इतने ज्यादा स्कैम्स हो चुके हैं कि इसको मौके से ज्यादा धोखे की तरह देखते हैं मैक्सिमम लोग। यहाँ पे जितने भी ज्वाइंट पर्सन है अभी, जितने लोगों को फोर्साज को पहले धोखा देखा था, मौका नहीं, वो एक बार हैंड रेस करिए, इंक्लूडिंग मी, मैं भी सबसे पहले हैंड रेस कर रहा हूँ, तो वही प्रॉब्लम आई। लोगों को जब बताया तो लोगों ने कहा यार ये क्या है, फलाना ढिमकाना पूछता, इतने सारे सवाल, इतने सारे उनके जवाब की पूछो मत। तो लगा कि मैं इसमें नहीं कर पाऊंगा, मेरा इसमें कुछ नहीं हो पाएगा, बट कंटिन्यू रखा, कंसिस्टेंसी रखी। अप्लायंस से जब भी डिमोटिवेट होता बात करता, उनके दो वर्ड की हो जाएगा कर लोगे, बस वो मोटिवेट कर देता कि हाँ अगर ये इतना बड़ा आदमी बोल रहा है मुझे, इतने शानदार पर्सनालिटी बोल रहे कि हो जाएगा तेरा, तो बिल्कुल हो जाएगा। लगा रहा, करता गया, और बहुत सारे लोगों ने रिजेक्ट किया, बहुत सारे लोगों ने मना किया, उनमें से कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, एंड विद इन 30 days मेरी जो अर्निंग हुई थी वो 70,000 रुपए पहले महीने में मैंने फोर साल से कमाई थी, और वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी इनकम थी। 70,000 रुपए मेरे परिवार में कोई नहीं कमा रहा उस टाइम पे, और मेरी एज के आसपास के लड़के कोई 70,000 रुपए कभी भी किसी ने नहीं कमाए। अगर कोई जॉब भी लग गया मेरी एज का तो वो 40-50 रुपए अभी तक पहुंचा, मेरे लिए बहुत बड़ी थी। फिर नेक्स्ट मंथ तो मैंने 1,30,000 कमाए, वो तो मेरे परिवार में आज तक किसी ने नहीं कमाए, खानदान में किसी ने नहीं कमाए। फिर लाइफ में एक ऐसा दिन भी आया, 1 दिसंबर 2021 का दिन ऐसा था मेरी लाइफ में जिस दिन सिंगल डे में, इन सिंगल डे मैंने 36 लाख रुपए कमाए। आपको मैं बता दूं जिस दिन एक्स गोल्ड लॉन्च हुआ था उस टाइम पे मेरी सिंगल डे की 36 लाख की इनकम थी, और ये दिन तो मेरे मतलब पूरे गांव के किसी खानदान में नहीं आया था। तो लाइफ टोटली 360 डिग्री के एंगल में चेंज हो गई विद इन ओनली फ्यू मंथ्स, और हर एक सपना यहाँ से पूरा हो रहा था। 4 साल से पहले 1,50,000 रुपए की मेरे पे लायबिलिटी थी, अच्छा मेरे पास में फोन नहीं था, अच्छी मेरे पास में कोई गाड़ी नहीं थी, अच्छी गाड़ी क्या, मेरे पास में तो गाड़ी थी ही नहीं, बाइक घर वालों से की थी, गाड़ी घर वालों की थी, मोबाइल कहीं कहीं से जुगाड़ करके लाया हुआ था, सब चीजें छोटे मोटे सपने पूरे किए, और पैसे खूब कमाए, पैसों को मतलब इन्वेस्ट किया, पैसों को आज ग्रो कर रहे हैं, मल्टीपल कर रहे हैं, तो लाइफ 360 डिग्री के एंगल से चेंज हो चुकी है। मुझे पता है आप भी उस जर्नी में हो, मैं स्पेशली फॉर न्यू मेंबर्स ये चीजें बोल रहा हूँ, पुराने मेंबर्स जानते हैं, कई बार सुन चुके, पकड़ रहे होंगे कुछ लोग तो कि ठीक है यार ये फिर से वही चीजें रिपीट हो रही है, बट मुझे पता है आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, इनमें से किसी ना किसी सिचुएशन में आप होंगे, या तो आपने अभी स्टार्ट किया बड़े कंफ्यूजन में होंगे कैसे होगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, चीजें क्या हो रही है, या तो उस स्टेज पे होंगे। अगर आपने ये चीजें समझ भी लिए तो लोगों के रिजेक्शन झेलने वाले सिचुएशन में होंगे, बट डोंट वरी, प्रेशर अपने आप को मत दीजिए, लाइफ चेंज होने वाली है, कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करनी है, फोर्स आज कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, फोर्स आज ऐसा नहीं है कि आपने पैसे लगा दिए पैसे हवा में बनते हैं, आपको काम करना पड़ेगा, आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, टीम बनाना पड़ेगा, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बस आप लगा दो और अपने आप आ जाएगा, अगर आपको किसी ने बोला आपके अपलाइन ने तो या तो आपके अपलाइन के पास में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, या फिर आपको खुद से अपनी नॉलेज लेनी होगी। मुझे अपने अपलाइन ने ये नहीं बोला था कि लगा दीजिए आ जाएगा, उन्होंने पहले दिन ही बोला था यू हैव टू वर्क हार्ड टू मेक मनी। ठीक है, अब यहाँ पे आज के इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, बड़े ध्यान से आप सभी लोग सुनिएगा, और बहुत अच्छा लग रहा है सभी लोग बड़े ध्यान से सुन भी रहे हैं, 1,000 से यहाँ पे मतलब यह हाउसफुल हमारा सेशन है, छोड़ के मत जाइएगा, और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं। अगर किसी को लगता है कि यार मैं शायद आखिरी तक नहीं झेल पाऊंगा, आखिरी तक नहीं सुन पाऊंगा, डोंट वरी, आप अपना काम करिए, आप सेशन को छोड़ सकते हो, ताकि जो लोग वेट कर रहे हैं जिनको सीट नहीं मिली वो लोग भी हमारे सेशन को अटेंड कर ले, क्योंकि करने वाले यहाँ पे बहुत सारे है और आप भी उनमें से एक है, आप भी ये एक इच्छा रखते हैं कि मेरी भी लाइफ चेंज हो, मैं भी कुछ अर्निंग करूं, मेरे भी सपने पूरे हो, सो दैट्स व्हाई आप यहाँ पे इस सेशन में अभी 2 बजे बैठे हो,
ऑलमोस्ट आपको 25 मिनट हो चुके हैं इस सेशन में और सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा एक सिंपल सा टॉपिक है कि फोर सास बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म कैसे है। दोस्तों ऑनलाइन अर्निंग करने के बारे में जब आप किसी से भी पूछोगे या फिर ऑनलाइन के बारे में सर्च करोगे ऑन यूट्यूब ऑन गूगल, बहुत सारे वेज बहुत सारे तरीके आपको मिलेंगे जहां पे आप ऑनलाइन इनकम कर सकते हो। आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे ऑनलाइन इनकम करने का स्टॉक मार्केट का बहुत बढ़िया है, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करने का बहुत बढ़िया है, अफिलियट मार्केटिंग का बहुत बढ़िया है। आपको कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग का बताएंगे, उनमें से कुछ लोग बोलेंगे ब्लॉगिंग कर लो, यूट्यूब कर लो, उनमें से बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें बताएंगे, इंस्टाग्राम पे पेज बना लो, फेसबुक पे बना लो, वैसे कर लो। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जितने भी एग्जांपल्स मैंने अभी दिए हैं, चाहे स्टॉक मार्केट कर रहा हो, चाहे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहा हो, यूट्यूब पे चैनल बनाने कर रहा हो, ब्लॉगिंग करने कर रहा हो, इंस्टा पे पेज बनाने कर रहा हो, अफिलिएट मार्केटिंग करने कर रहा हो, बेशक यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा है। आज यूट्यूबर्स जिन्होंने एक टाइम पे अपने आप को अपडेट कर लिया था जब जियो ने ऑल ओवर इंडिया में इंटरनेट को फ्री किया था, तो उनको ये चीज समझ में आ गई थी कि हम आने वाले टाइम में बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं। और उस टाइम पे हर एक कंटेंट पे इतने ज्यादा वीडियोस नहीं मिलते थे, तो किसी ने टेक पे चैनल बनाया, किसी ने छोटे मोटे ब्लॉग पे बनाया, कुछ भी किया, और उन्होंने अपना एक स्पेशल फील्ड पकड़ रखे। किसी ने बस अनबॉक्सिंग का ही बना दिया, ये मोबाइल अच्छा आता है, इसमें इतनी रैम आती है, उतनी रूम होता है, ये फलाना ढिमकाना। किसी ने रोस्टिंग करना शुरू कर दिया, किसी ने कॉमेडी करना शुरू कर दिया, किसी ने कुछ इंटरव्यूज पॉडकास्ट लेना शुरू कर दिया। एंड आज वो लोग एक सेलिब्रिटीज की लाइफ जी रहे। आप लोग देख पा रहे होंगे कि बॉलीवुड वाले लोग उनकी वीडियोज में काम करते हैं। वो लोग आज 360 डिग्री के एंगल से अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं। बेशक वहां पे बहुत ज्यादा पैसा है, बट उसका टाइम बहुत ज्यादा लगता है। अगर आज कोई चाहे कि मुझे टेक में कोई अपना चैनल बनाना है, भाई साहब आपसे पहले टेक्निकल गुरुजी बैठे। अगर आपको लगता है कि मुझे रोस्टिंग में कोई चैनल बनाना चाहिए, आपसे पहले केरीमन आंटी बैठे। अगर आपको लगता है कि मुझे कॉमेडी में चैनल बनाना चाहिए, आपसे पहले अमित भडाना बैठे। अगर आपको लगता है कि मुझे कोई इंस्पिरेशनल वाला बनाना है, तो बहुत सारे मोटिवेशनल जो है ये स्पीकर्स बैठे हुए। आज बहुत ज्यादा कंपटीशन हो चुका है और लोगों की एक पसंद बन चुकी है कि मुझे इस कंटेंट के लिए इस यूट्यूबर को देखना है, इस इन्फ्लुएंसर को देखना है ना। अगर आप लोगों ने अफिलिएट मार्केटिंग भी करना है, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा लर्निंग एफर्ट्स एंड पेशेंस की जरूरत होती है। बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा, 2-3-4-5 साल तक का भी। अगर आप लोगों को ब्लॉगिंग करनी है, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा। और इन चीजों में कमीशन आपको जो मिलता है वो किसी एक थर्ड पार्टी पे डिपेंड होता है। मतलब यूट्यूब से कितना कमीशन आपको आएगा पर व्यू से, पर एड से, वो डिपेंड आप पे नहीं करता। आप के जो यूट्यूब के जो मालिक है, यूट्यूब की जो कम्युनिटी है, वो जो है डिसाइड करती है कि आपको कितने एड पे कितने रुपए देने हैं। पहले बहुत ज्यादा मिला करते थे, आजकल जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आ गए, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, गली गली में आज यूट्यूबर्स मिलते। तो आज यूट्यूब पे उतना ज्यादा पैसा सेम एड पे आपको नहीं मिलता जितना पहले मिलता था, ठीक है। ये आप चीजें समझ रहे होंगे। अगर मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग भी एक ऑनलाइन अर्निंग का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप प्रोडक्ट नहीं बेचते हो, या फिर घर से ही बेचते हो, या जस्ट नेटवर्क बनाने में ध्यान रखते हो, लोगों को कंज्यूमर बनवाते हो, तो आप घर बैठे ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग भी कर सकते हो। लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा लफड़े, वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। सेंट्रलाइज सिस्टम है, कंडीशंस है, 100% डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये सारी चीजें। अब फोर सास जो है ट्रेडिंग से, इन्वेस्टिंग से, ब्लॉगिंग से, यूट्यूब से, इन सबसे बेटर कैसे है, सबसे बेस्ट कैसे है, इसका सिंपल सा एग्जांपल, सिंपल सा आंसर मैं देना चाहूंगा आप लोगों को। सबसे पहली बात तो फोर सास के अंदर आपको 100% कमीशन मिलता है, जो कि किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म में आपको नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे आपको जस्ट 45% का कमीशन मिलता है। अगर आप लोग देखोगे अफिलिएट मार्केटिंग में, तो 50-70-80% तक का मिल जाता है कई बार। अगर आप लोग देखोगे ब्लॉगिंग पे, तो वहां पे एडीयू के हिसाब से आपको कमीशन मिलता है। तो ये वहां पे 100% कमीशन नहीं है, फोर सास में 100% है। नेटवर्क मार्केटिंग का ऑलरेडी आप जानते हो, वहां पे भी आपको 100% कमीशन नहीं है। दूसरी चीज आप ये समझिएगा कि किसी भी चीज में एक अपनी पॉलिसी होती है, पॉलिसीज में चेंज होता रहता है, थर्ड पार्टी का एक कंट्रोल होता है। फोर सास के अंदर वो कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज आप लोग और समझिएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग जब हम लोग करते हैं, उसमें प्रोडक्ट हमें सेल करने होते हैं, उसका डेमो हम लोगों को देना होता है, लोगों को बताना होता है, जाना होता है, कंपैरिजन करना होता है, बहुत सारी चीजें हम लोगों को करनी होती है। अगर हम लोग यही चीज कंपेयर करें फोर सास से, तो ऐसा हमें कुछ भी फोर सास को लेकर नहीं करना होता है।
यहाँ पे ना तो कोई प्रोडक्ट फिजिकल है जिसको आपने सेल करना है। जब यहाँ पे ये चीज आती है कि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। यस, यहाँ पे ऑफकोर्स एक प्रोडक्ट है जिसका नाम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, बट वो प्रोडक्ट फिजिकल नहीं है, डिजिटल है, क्योंकि हमारा ऑनलाइन बिजनेस है भाई साहब, अपना डिजिटल वर्क है, अपना क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बिजनेस है। बट उसको आपने डेमो नहीं दिखाना होता कि ये देखिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इससे झाग आते हैं, ये देखिए इससे झाग नहीं आते। वो आपने उस टाइप से डेमो नहीं करना होता, सेल उसको नहीं करना होता। घर बैठे आप नेटवर्क बना सकते हो। आज कोई भी एक ऐसा स्टेट नहीं होगा इंडिया का, एक भी राज्य नहीं होगा जहां से मेरी टीम ना हो। आज ये जो 28,000 लोगों की जो टीम है, ये 28,000 लोगों की टीम आज ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर स्टेट में है। और मैंने इस टीम को बनाने के लिए अपने घर के बिस्तर तक को नहीं छोड़ा, घर से मैंने टोटली वर्क किया, घर से टोटली काम किया, और आज सेम काम मैं अपनी टीम को बता रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ, एंड वो भी बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से काम करके अपना टीम को बढ़ा रहे हैं, बना रहे हैं। तीसरी चीज आप यहाँ पे एक और समझिएगा, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जब आप काम करते हो, जो भी आपको पे आउट आता है XYZ अकॉर्डिंग टू देयर सिस्टम, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन का उनका सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट आता है, उसके लिए आपको वेट करना होता है, एक विड्रॉल लगाना होता है, उसके लिए आपको चार्ज भी पे करना होता है। बट अगर मैं बात करूं 4 साल में, विदाउट एनी चार्ज इंस्टेंट आपको पे आउट आपके वैलेट में आ जाता है, जब मर्जी तब आप उसको विड्रॉल कर सकते हो। आज अगर $250 मैंने मिस्टर नेमराज जी की अर्निंग दिखाई है गाइज, उसको आप अभी के अभी अगर चाहो तो विड्रॉल कर सकते हो। आपने मिस्टर नेमराज जी, ओनली मिस्टर नेमराज जी, बिकॉज वो उन्हीं को ही आई है, जस्ट आप देख सकते हो, मैं देख सकता हूँ, कोई भी देख सकता है, बट उसको निकालने का एक्सेस केवल और केवल मिस्टर नेमराज जी के पास में। वैसे ही आपको जो इनकम आती है उसको केवल आप देख सकते हो, कोई भी देख सकता है, मैं भी देख सकता हूँ, बट उसको निकाल आप ही सकते हो अपने बैंक में विद इन ए सेकेंड। डजंट मैटर सैटरडे है, संडे है, हॉलीडे है, कौन सा डे है, डे है या नाइट है, आप उसको तभी निकाल सकते हो। ये सारी चीजें आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। अभी कुछ लोग जो मतलब ये कहते हैं कि ठीक है क्रिप्टो करेंसी में अगर हम लोगों को काम करना है तो क्यों ना हम इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं क्रिप्टो करेंसी में। वो ख्वाब देखते हैं बिल्कुल कि एक टाइम ऐसा था जब 100 रुपए का बिटकॉइन था, आज 20 लाख का है। मतलब किसी ने अगर 100 रुपए लगाया आज उसके 20 लाख बन गए, 1,000 लगाए उसके 2 करोड़ बन गए, 10,000 लगाए उसके 20 करोड़ बन गए, और किसी ने गलती से 1 लाख लगाए उसके 200 करोड़ बन गए। तो हम भी लगा देते हैं वहां पे 10,000 रुपए और एक दिन हमारे 200 करोड़ बन जाएंगे, ऐसे सोचते। लेकिन मेरे भाई मैं आपको बता दूं, आज बिटकॉइन को जो आप 20 लाख पे देख रहे हो उसको मैंने 50 लाख पे देखा हुआ। किसी ने अगर 50 लाख पे लिया था ना, अगर 1 लाख लगाए थे तो उसके आज 1 लाख के 30,000 पड़े, अगर किसी ने 10 लाख लगाए थे तो उनके 3 लाख पड़े, और उसमें वो कुछ कर भी नहीं सकते। क्या मार्केट उनके बस का है? आज मैंने पैसे लगा दिए मार्केट के अंदर, क्या मार्केट मेरे काका जी का? क्या मार्केट जैसा मैं कहूंगा वैसा एक्ट करेगा? आज मैंने 10 रुपए का कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीदा तो क्या मैं मार्केट को बोलूंगा तू जा ऊपर चल, बहुत ऊपर जाना तुझे, और तू 10,000 की हो जा, क्या मेरा वो 10,000 रुपए 10 रुपए 10,000 बन जाएगा? मार्केट तो अपने हिसाब से चलेगा। बहुत ज्यादा वहां पे चीजें काम करती है, न्यूज काम करता है, वहां पे कई बार जुआ टाइप का भी हो जाता है, आपको खतरा बहुत ज्यादा होता है, रिस्क बहुत ज्यादा होती है। क्या 4 साल के अंदर आपने 5 BUSD वाला स्लॉट खरीदा है, क्या इसमें कोई हेयर बदल हो सकता है? क्या 5 BUSD का 6 BUSD हो सकता है? क्या ये 0 हो सकता है? नहीं, ये हमेशा स्थिर तरीके से हमेशा के लिए एक्टिव रहेगा। एक चीज आप और समझिएगा, मार्केट आपके बस में नहीं है लेकिन आपकी मेहनत करना आपके बस में। आज आपने कितने लोगों से बात करनी है, मान लीजिए आपने एक कमिटमेंट ले लिया कि मुझे आज के दिन में 100 लोगों से बात करनी है, आप कर सकते हो 24 घंटे आपके पास में, दिस इज पॉसिबल। आप लोग जूम सेशंस के माध्यम से उनसे बात कर सकते हो, आप लोग कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनसे बात कर सकते हो, आप लोग कॉलिंग के माध्यम से उनसे बात कर सकते हो, ये पॉसिबल आपके लिए। 100 से नहीं 1,000 से बात करना भी पॉसिबल है, जैसे मैं कर पा रहा हूँ अभी, मोर देन 1,000 लोग यहाँ पे सेशन में बैठे मुझे सुन रहे हैं, एंड उसी तरीके से आप भी कर सकते हो। बट मार्केट में हम लोग, आप लोग सब मिलके भी कुछ नहीं कर सकते, हम लोग इलोन मस्क नहीं है भाई साहब, इलोन मस्क भी कुछ नहीं कर सकता। एक गुजराती में कहावत है, भाव भगवान छे, मार्केट जो होता है अपने हिसाब से चलता है, बट फोर्स अपने हिसाब से चल रहा है। आज अगर आपने एक आईडी लगा दी,
5 BUSD भी आना तो आएगा, बड़ी आईडी लगा दी 500 BUSD आना तो आएगा, उससे बड़ी लगा दी 1000 BUSD आना तो आएगा। आपके किसी भी डाउनलाइन से आपने स्लोट अपग्रेड करवा दिया उससे आपको 500 BUSD 1000 5000 9699 BUSD भी आना तो वो भी आएगा, समझ रहे हो, आपके बस में। रही बात क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने की, तो क्रिप्टो करेंसी कोई जुआ नहीं है भाई साहब, क्रिप्टो करेंसी कोई ऐसा नहीं है कि लॉटरी का टिकट हो, या फिर मैं इंक्लूड करूं इसमें स्टॉक मार्केट को, तो स्टॉक मार्केट को ऐसा नहीं है कि आपने आज सुबह पैसा लगा 9:15 पे जैसे ही मार्केट ओपन हुआ और आप तो देखे 5 मिनट में भाई साहब आप करोड़पति बन गए, नो, अगर ऐसा होता तो बहुत सारे लोग करोड़पति घूम रहे होते सड़कों पे। वहां पे आपको एक प्रोसेस के माध्यम से सीखना होता है, लर्न करना होता है, पेशेंस रखना होता है, पैसे को ग्रो करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम देना होता है। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या फिर क्रिप्टो करेंसी का जो फील्ड है, यहाँ पे बहुत ज्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट रहती है, आपको नॉलेज रखना होता है, पेशेंस रखना होता है, लर्निंग करते रहना होता है, तब जाके आप इन चीजों को अचीव करते हो जो आपने सुनी है, जो आपने देखी है। बट बहुत सारे लोग जिनको पहली बार पता चलता है कि ठीक है हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं, कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है अगर लाख में से एक बंदे का किस्मत काम कर गया, मैंने देखा है, बट बहुत सारे लोगों के पास में रिस्क बहुत ज्यादा रहती है वहां पे। सो दैट्स व्हाई फोर्सास इज बेटर देन ऑल दीज थिंग्स, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो, यूट्यूबर बनना हो, ब्लॉगिंग करना हो, कुछ भी करना हो। आप लोगों को लगता होगा कि हम लोग नेटवर्किंग नहीं करते हैं जब हम लोग क्रिप्टो करेंसी में या फिर इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, बेसिक वहां पे आप किसी को ज्वाइन नहीं करवाते, लेकिन नेटवर्क वहां पे भी बनाना होता है, वहां पे भी आपका कोई ना कोई अपलाइन होता है जिससे आप सीखते हो, आपका टीचर होता है आपको गाइड करने वाला, डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्री में नॉलेज लेते हो कुछ भी मिल जाता है, बट वहां पे भी पैसे लगा के सीखना होता है, कोर्सेज लेने होते हैं, क्लासेज लेनी होती है। अगर आपको यूट्यूबर बनना है तो यूट्यूब में भी बहुत सारी चीजें आपको किसी ना किसी से सीखनी होती है, वहां पे भी आपको नेटवर्क बनाना होता है लोगों का, और नेटवर्क आपका उन्हीं लोगों का बनता है जो आपके कंटेंट से ताल्लुक रखते हैं। आज मुझे अगर इंग्लिश मूवीज नहीं देखनी तो कितने भी यूट्यूब पे इंग्लिश मूवीज के चैनल होंगे मैं सर्च भी नहीं करूंगा। तो फोर्स हाज के अंदर एक चीज को आपको यहाँ पे ये भी समझना है, ऑनलाइन अर्निंग के जितने भी लोग इच्छुक होते जो करना चाहते, आज हर कोई चाहता है कि मैं ऑनलाइन इनकम करूं, जिस मोबाइल को मैंने 10-20-50 हजार रुपए 1 लाख 1.5 लाख में लिया था इससे एटलीस्ट कुछ रुपए कमाऊं, हर कोई चाहता है कि मैं अपने इस टाइम को यूटिलाइज करूं, क्योंकि आज के इस दौर में महंगाई किस कदर बढ़ी है आपको पता है। मैंने शुगर को 15 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदा भाई साहब, शुगर को 15 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदा और आज उसी शुगर को मैं जो है 45-50 रुपए में खरीद रहा हूँ। आप समझिए महंगाई किस कदर बढ़ी है। तो मुझे पता है कि मैं यार मेरी अपनी जॉब से जिससे मुझे 10-15-20 हजार रुपए आते उससे अपना घर नहीं चला सकता अच्छी तरीके से। सो मैं सर्च करूंगा कि कुछ ऐसा मैं फाइंड आउट कर लूं जहां पे मैं कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकूं, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकूं। तो मैं लोगों से पूछूंगा, गूगल पे सर्च करूंगा, तो बहुत सारे लोग मुझे सजेस्ट करेंगे कि ऑनलाइन इनकम कर सकते हो, खुद के मालिक हो, मोबाइल से करना होता है, कहीं से भी करना होता है। दोस्त जब लोग सर्च करेंगे तो आपके साथ में ज्वाइन भी करेंगे। आज आप लोगों को बता दूं मेरा वीडियो ऑन हो रहा है अभी, एंड मैं अभी मेरे घर पे नहीं हूँ, मैं अभी गाड़ी में बैठा हूँ, ये मेरा गाड़ी है, कुछ गाड़ियां और पार्किंग में लगी हुई है, कुछ और गाड़ियां जा रही है, ठीक है। एंड घर पे नहीं रहते हुए भी मैं आप लोगों को सेशन दे रहा हूँ, आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, सेशन में आ रहा हूँ, सेशन अटेंड कर रहा हूँ, डजंट मैटर मैं कहाँ पे हूँ, बस नेटवर्क मेरे फोन में होना चाहिए। लोग चाहते हैं इजी से इजी वे जहां से आप पैसे बना सकते हो, आसान से आसान जो हमारे पास में संसाधन है उन्हीं से आप पैसे बना सकते हो। सो दैट्स व्हाई फोर्सास इज द बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म। आखिरी तक आप लोग सुनिएगा, हमारे साथ में और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे को होस्ट पार्टनर्स हैं जो बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक्सपीरियंस रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, उनसे भी आपको सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे पास में बेस्ट नॉलेज है, हो सकता है किसी भी एक को-होस्ट पार्टनर की एक ऐसी बात आपके माइंड में समझ में आ जाए और आने वाले कुछ टाइम बाद में जो स्टोरी मेरी है वो स्टोरी आपकी हो जाए, जो आज मेरी 360 डिग्री के लाइफ एंगल से लाइफ चेंज हो रही है वो आपकी हो जाए। सो आखिरी तक बने रहिएगा, अभी हमारे पास में केवल और केवल 20 मिनट का टाइम है,
और अभी हमारे पास में बहुत सारे को-होस्ट पार्टनर्स भी है, वन बाय वन हम सबको सुनेंगे। सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा हर्षिता सेवलानी मैम को। यू आर वेलकम मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया, इतने बड़े मंच पे मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम हर्षिता सेवलानी है, मैं सागर मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। और जैसा सर बता रहे थे कि एज अ स्टूडेंट लाइफ हमें बहुत ज्यादा टेंशन रहती है कि हम कुछ तो ऐसा करें जिससे हमारी इनकम हो, राइट? तो वही चीज मेरे भी माइंड में थी। और बात की जाए नेटवर्क मार्केटिंग की, तो मुझे कोई नॉलेज नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग का, मुझे एन भी नहीं पता क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग का। लेकिन बार बार मेरे सामने फोर्सेस सिस्टम आ रहा था और मैं बार बार इसको इग्नोर कर रही थी। देन वन डे मैंने स्टार्ट किया इसको, और पहले जिनके साथ स्टार्ट किया था उनको खुद नॉलेज नहीं था, उन्होंने क्विट कर दिया। देन कुछ टाइम बाद मैंने नेमराज सर के साथ स्टार्ट किया, लास्ट वन मंथ पहले मैंने नेमराज सर के साथ स्टार्ट किया। और लिटरली यहाँ से जब से स्टार्ट किया है, ये 2 बजे वाले सेशन से बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। सो सबसे बस यही कहूंगी कि स्टार्ट कीजिए और यहाँ से बहुत अच्छी ग्रोथ होगी आपकी। और डेली के डेली आप सेशन अटेंड कीजिए, अपने टीम को इनवाइट कीजिए, और डेफिनेटली आप भी लाखों क्या करोड़ों भी कमा सकते हैं यहाँ से। ओके, थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच हर्षिता मैम। वाकई यहाँ पे अगर किसी का भी एटीट्यूड लर्निंग वाला है, किसी का भी माइंडसेट लर्निंग वाला है, कोई कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग आखिरी तक बने रहिएगा, इसी कड़ी में मैं नेक्स्ट लीडर को इनवाइट करूंगा, मिस्टर देवदास सर को, कोलकाता से है। सो आइए सर, आपका स्वागत है। मिस्टर देवदास सर, आप को-होस्ट पार्टनर भी है सर, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करिए। ओके, हो सकता है सर के पास में आवाज नहीं जा रही है, बट नेक्स्ट लीडर को जिनको मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ वो मिस्टर प्रेम कुमार जी है बरेली से। आइए प्रेम कुमार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिस्टर प्रेम कुमार बरेली सर, आपको आवाज अगर मेरी आ रही है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ओके, मैं भी कुछ आवाज का इश्यू हूँ। अभी हमारे साथ में मिस्टर एस के यादव सर है, जिनसे अभी रिसेंटली मैं आगरा में मिला था। बहुत ही अच्छे पर्सनालिटी, बहुत ही दमदार तरीके से काम करने वाले एक लीडर, डेफिनेटली आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर एस के यादव सर को, सुधीर कुमार जी को। जी सर, वेलकम है सर। थैंक यू रामदेव सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे को आज मौका दिया इतने बड़े मंच पर। और 2 दिन पहले हम लोग की मुलाकात हुई थी आगरा में, LDP हुआ था हमारी पूरी टीम का। और अभी मैं 100% मतलब कहीं ना कहीं बीमारी से, मतलब बीमार जो मैं हुआ था अभी 2 दिन पहले, अभी मैं पूरा परफेक्ट नहीं हुआ हूँ, बट हाँ 50-50 है, अभी रात तक ठीक हो जाऊँगा। और मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि मेरा नाम सुधीर कुमार यादव है और मैं फोर्साज को 2 महीने पहले स्टार्ट किया था, और जस्ट अभी मैं सीख ही रहा हूँ। और सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि सीखना बंद तो जीतना बंद, और सीखना बंद तो कमाना बंद। तो सीखने का एटीट्यूड, सीखने का जो कल्चर है वो अपने अंदर बना के रखिएगा, क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं है सर। जो सीखेगा मुझे पता है वो और उसका टीम जरूर कमाएगा। तो मेरे को करीब 2 महीने हुए हैं, और 2 महीने के अंदर सर मैंने 2 लाख से प्लस की इनकम ली है सर। और बड़ी बात नहीं है कि मैंने 2 लाख की इनकम ली है, बड़ी बात यह है कि मेरे साथ जो 1 महीने पहले जिन्होंने डिसीजन लिया, मिस्टर अभिषेक मलिक जी, जिनका अगर मैं बात करूं तो 1 महीने भी ढंग से नहीं हुआ, लेकिन उनका भी इनकम 1 लाख रुपए है। और बहुत सारे लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं। तो फोर्साज पे बिलीव कीजिए, खुद पे बिलीव कीजिए, और लग जाइए काम पर। और सुबह का ट्रेनिंग, दोपहर का सेशन, शाम का सेशन, इसको मत मिस कीजिएगा। जो टीम ग्लोबल ने बनाया हुआ है 3 सेशन, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग का, उसको मत मिस कीजिएगा। पैसे कमाने से कोई नहीं रुक पाएगा। थैंक यू वेरी मच, ओवर टू यू रामदेव सर। थैंक यू सो मच सर, एंड मैं आशा करता हूँ आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओ, एंड बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। अभी नेक्स्ट लीडर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा, मिस्टर सुधीर सर की ही टीम से है, बहुत ही शानदार पर्सनालिटी एंड बहुत ही शानदार के लीडर, मिस्टर प्रियांश मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिस्टर प्रियांश मिश्रा, थैंक यू सो मच रामदेव सर, और बहुत बहुत शुक्रिया सर, मुझे इतने बड़े मंच में आपने बोलने का अवसर प्राप्त किया सर। और सर आपकी बहुत याद आ रही है, बहुत ही ज्यादा आपकी याद आ रही है।
और फ्रेंड्स मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम प्रियांश मिश्र है और मैं बेसिकली अभी वाराणसी बनारस से बात कर रहा हूं। और मैं अगर अपने यहाँ पे जर्नी की बात करूँ तो मुझे मात्र मात्र 25 दिन हो चुके हैं और 25 दिन के टोटल यहाँ जो मेरी अर्निंग है वो है 29,589 रुपए। राइट, मतलब कि मोटा मोटी 400 रुपए का मैंने यहाँ पे 30,000 रुपए कमा लिए 25 दिन के अंदर। ये मेरे कुछ भी पावर नहीं है, ये सिस्टम की पावर है, ये प्रोसेस की पावर है, ये रामदेव सर की 2 बजे की ट्रेनिंग की पावर है और सुबह और शाम की ट्रेनिंग मीटिंग का पावर है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप नॉलेज लेते रहिए, जितना ज्यादा आप कमाना चाहते हो आप कमा सकते हो, क्योंकि अभी मैंने हाल फिलहाल में स्टार्ट किया है और जो लोग अच्छी खासी स्टडी करते हैं 15 से 20 साल पढ़ते हैं उसके बाद शायद ही उनको नौकरी मिल पाती जो कि 8-10-12-15 हजार की होती है। और मैंने ऐसे हंसते खेलते हुए ज्वाइन किया और मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड किया, अपने अपलाइन के सपोर्ट रहा और आज जा करके 25 दिन के अंदर इतने शानदार अचीवमेंट है। तो बेस्ट ऑफ लक डियर फ्रेंड्स, ऐसे लगे रहिए, मीटिंग अटेंड करते रहिए, सीखते रहिए, कमाते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच रामदेव सर, थैंक यू सो मच जी सर, थैंक यू सो मच प्रियांश जी। ये जो पिक आप लोग देख रहे हो प्रियांश जी की, ये आगरा की है, ताजमहल में अभी इन्होंने पिक ली थी, बहुत शानदार। एंड हम लोग मिले थे अभी रिसेंटली, हमारी LDP हुई आगरा में एंड नेक्स्ट LDP हमारी गोवा में होने वाली है बहुत जल्दी। प्रियांश जी और जितने भी लोग आना चाहते हैं सबसे मिलेंगे। एंड नेक्स्ट लीडर को मैं इन्वाइट करना चाहूंगा, मिस्टर गजानंद सर को। आपका बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर गजानंद सर। आई होप आप हेलो, वॉइस आ रही है सर? जी सर, प्रॉपर एंड क्लियर है सर। ओके, कंटिन्यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अगेन रामदेव सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इतने बड़े मंच के ऊपर। और सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम गजानंद है और मैं नागौर राजस्थान से हूँ। दोस्तों अभी रामदेव सर ने काफी चीजें आपको यहाँ पर बताई है, एक एक चीज आपको क्लियर की है, तो इन सभी का एक ही अर्थ निकलता है कि लर्निंग इज अर्निंग। कि दोस्तों मेन चीज यही है कि जब आप बहुत बड़े लेवल पे लर्निंग करने लग जाओगे तो लास्ट के अंदर जो लर्निंग का एल है वो हट जाएगा और सिर्फ वहां पर रहेगी तो आपको अर्निंग रहेगी, और जो आपकी अर्निंग है वो कोई भी नहीं रोक सकता। मेरे साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मैं पिछले 12-13 साल से कहीं जॉब करता था और 20-25 हजार की नौकरी करता था, और आज की जो मैं मेरी कंडीशन बताऊं कि जो 20-25 हजार की मेरी जॉब थी वो छोड़ करके और मैं जो मेरा पूरा 100% जो वर्किंग है वो सिर्फ ओनली फॉर मैंने फोर्सेस को दिया है, और जो मैंने वर्किंग मेरा फोर्सेस को दिया है तो उसका कई गुना फोर्सेस मुझे आज दे रहा है। तो बस इसका एक ही पावर है कि मैं यहाँ से बस एक ही फोक्स रखता हूँ कि मुझे यहाँ से सीखना है, और जब मैं बहुत ज्यादा सीख जाऊंगा यहाँ से तो मुझे अर्निंग तो यहाँ से होनी होनी है। तो जो खासकर जो न्यू गाइड है उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि तो आपका शुरुआती जो टाइम होता है इसके अंदर आपको फुल फोकस से जो मेन चीज जो लर्निंग है उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। जो साइड की जो चीजें हैं उनको एक बार के लिए आप ठंडे बस्ते के अंदर डाल दो और उसके बाद में आप सिर्फ इसके ऊपर लर्निंग के फोकस रखो तो आपकी अर्निंग वगैरह सब स्टार्ट हो जाएगी। आपका जो वर्किंग है वो आने वाले टाइम के अंदर इतना ग्रोथ करेगा कि आप कुछ सोच नहीं सकते। और बाकी थोड़ा सा मेरे पास नेटवर्क इश्यू है तो मैं ज्यादा आपसे बात नहीं। जी सर, थैंक यू सो मच मिस्टर गजानंद सर, आपने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया जी। एंड ये बिल्कुल पॉसिबल है गाइज, अगर आप लोगों का नेटवर्क मार्केटिंग में एक्सपीरियंस भी नहीं है और आप बस हमारे सेशंस को अटेंड करते हो, जो चीजें हम बताते हैं वो आपने की, डेफिनेटली आप बहुत अच्छी अर्निंग को पा जाओगे। तो इसी कड़ी में मैं नेक्स्ट लीडर को इनवाइट करना चाहूंगा, मिस्टर मुकेश मेहरा सर को, जिनसे बहुत जल्दी हम लोग नैनीताल में मिलने वाले हैं। मिस्टर मुकेश मेहरा सर, प्लीज आप आइए और कुछ हमारे बीच में शेयर करिए। सो ओवर टू यू सर। जी ओके, थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद रामदेव सर, आज आपने सेशन को बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है और बहुत सारी चीजें आज हमें नई भी सीखने को मिली है। ओके सर, तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मुकेश मेहरा, नागौर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। एंड आप ही की तरह मैंने 1 साल पहले फोर्साइज बिजनेस ब्यूस्टी के अंदर स्टार्टिंग की है। देखिए साथ में आप सभी को बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आपने फोर्साइज को रिसेंटली स्टार्टिंग की होगी, जिनको 15 दिन हुआ है, 20 दिन हुआ है, इवन 1 महीना 1.5 महीना भी हुआ होगा, लेकिन बस मैं आप सभी को एक ही चीज बोलना चाहूंगा दोस्तों कि बस ये 3 मीटिंग चलती है सुबह शाम और दोपहर 2 बजे वाली,
ये तीन मीटिंग आप लगातार अटेंड करते रहिए और अर्निंग के ऊपर फोकस मत रखिए, ओनली फॉर लर्निंग के ऊपर फोकस रखिए, अर्निंग आपकी अपना आप होना स्टार्ट हो जाएगी। हम क्या करते हैं दोस्तों, शुरुआत में हम जितने भी हमारे न्यू मेंबर होते हैं हम ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हैं कि हमारे साथ में लोग ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रहे हैं या फिर मेरी अर्निंग क्यों नहीं बढ़ रही है, क्योंकि हम लर्निंग के ऊपर कम फोकस कर पाते हैं उस वक्त, क्योंकि हम नए होते हैं ना उस वक्त, लर्निंग हम करते हैं अर्निंग के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं हम। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लर्निंग के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि दोस्तों प्रकृति का नियम होता है कि जो हम है ना प्रकृति को लौटाते हैं ना वही हमें वापस लौटाएगी वो, क्योंकि प्रकृति हमें देती कभी नहीं है, लौटाती है मेरे दोस्तों। तो आप फोरसाथ के अंदर ज्वाइन कर लिए हैं तो फोरसाथ के अंदर आपको बस लर्निंग करेगी, आप लर्निंग करिए, अर्निंग आपको अपना आप लौटा देगी फोरसाथ। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल, हर एक मेहनत का रिजल्ट जरूर होता है। तो इसी कड़ी में मैं नेक्स्ट लीडर को इनवाइट करना चाहूंगा, मिस्टर प्रेम कुमार जी को, शायद उनको नेटवर्क आ चुका है। अगर आपको आवाज मेरी प्रॉपर है तो प्लीज आप कंटिन्यू करिए मिस्टर प्रेम कुमार सर। जी थैंक यू सर, एंड सॉरी सर मैं थोड़ा सा नेटवर्क का इशू के कारण म्यूट नहीं कर पा रहा था। तो नो डाउट सर, बहुत ही जबरदस्त सर आपका सेशन चल रहा था, और इसी तरीके से आप हम सभी को, जितने भी मेरे साथी हैं सभी को एक नया नया कुछ सिखाते रहेंगे। बहुत अच्छा सर बोल रहे थे मुकेश सर एंड और एक सर और थे कि लर्निंग पहले करना पड़ेगा तो कुछ समय के बाद आपका एल हट जाएगा, आपको अर्निंग मिलेगी। तो नो डाउट साथियों, और साथियों स्टार्टिंग में जब भी हम किसी काम को करेंगे तो समस्याएं थोड़ी बहुत हमें जरूर आती हैं, और जो इंसान समस्याओं को झेलने के लिए तैयार रहता है तो वही कुछ कर पाता है, वही आगे बढ़ता है। जीतने के लिए तो सीखना जरूर पड़ेगा, अगर हमें जीतना है तो सीखना पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं दोस्तों। समस्याएं अब से नहीं, त्रेता द्वापर कलयुग से चली आ रही, भगवान राम को भी 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा था दोस्तों, लेकिन फोर्सेज यहां पर 14 वर्ष नहीं, आप ज्यादा नहीं, कुछ समय, एक महीना, दो महीना, तीन महीना, ज्यादा से ज्यादा 90 दिन आप लर्निंग मोड में लगा दीजिए। मैं गारंटेड बोलता हूँ आपको इतनी अर्निंग हो जाएगी, इतनी अर्निंग हो जाएगी। अगर आप पिछले की जिंदगी को सोच के देखोगे तो शायद एक बार को आपको जरूर सोचना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड, लास्ट में एक वर्ड बोल के अपनी बात को क्लोज करूंगा, रास्ता चलोगे तो ब्रेकर तो मिलना ही है, मिलेगा ही मिलेगा, जिंदगी जियोगे तो समस्याएं मिलेगी ही मिलेंगी। वो रास्ता ही क्या है जिसमें ब्रेकर ना हो, और वो जिंदगी है जिसमें समस्या ना हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये तो कॉमन सी बात है, आपको समस्याएं आती हैं और समाधान भी होता है, बस आपको लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है, और जैसे भी हमारे जितने भी मेंटोर बता रहे हैं उनकी बात को फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे कुछ लोग नेटवर्कर्स भी आते हैं। तो मेरा आप सभी से एक हाथ जोर से विनम्र निवेदन ये रहेगा कि दोस्तों आप किसी भी फील्ड में कितने भी एक्सपीरियंस होल्डर हों, लेकिन यहाँ आकर आपको एक बच्चे की तरह एक लर्निंग करना ही पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अपना दिमाग बिल्कुल ना लगाएं। बहुत सारे साथी बोलते हैं यार मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस है, बिल्कुल सही बात है साथियों, एक्सपीरियंस हो सकता है आपको, बट फोर्सेज का एक्सपीरियंस नहीं होगा, फोर्सेज को तो आपको नए तरीके से सीखना पड़ेगा। तो मैं इतना ही बोल के अपनी बात को कंप्लीट करता हूँ, ओवर टू रामदेव सर। थैंक यू सो मच मिस्टर प्रेम कुमार सर, एंड अभी नेक्स्ट लीडर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। जस्ट गाइज, आपको 8 मिनट तक और बने रहना, 8 मिनट में हमारे और दो लीडर्स हैं जिनको हम सुनेंगे। सबसे आखिरी में आपको परमेश्वर जी को सुनने का मौका मिलेगा, बहुत सारे लोग सुनने को बेताब रहते, और उनसे पहले मैं आप सभी को मिलवाता हूँ मिस्टर पप्पू कुमार सर से। सो मिस्टर पप्पू कुमार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइज। और माई सेल्फ पप्पू कुमार, मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, और मैं भी सिस्टम को सीख ही रहा हूँ, सीखते सीखते कर रहा हूँ। मैं बस इन शॉर्ट मैसेज देना चाहूंगा कि जैसे भी रामदास सर बता रहे थे कि कैसे हमारा फोर्सेज बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बेस्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बिजनेस इतना शानदार है कि आप एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से भी बड़ी इनकम कर सकते हैं। दूसरी बात कि यहाँ पे आपको ना कोई ऑफिस या फिर कोई स्टोर डालने का जरूरत है, जैसे कि अदर बिजनेस में देखते होंगे लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। आप घर बैठे स्मार्टफोन को यूज करके अच्छे तरीके से मेहनत करके सिस्टम को सीख करके बड़ी से बड़ी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं, और हमेशा आप लर्निंग माइंडसेट रखिए, सीखते रहिए चीजों को, क्योंकि फोर्सेज सिर्फ सीखने का ही बिजनेस है। सीखते रहिए और बाकी जो लोग आपके साथ आते हैं उनको सिखाइए और बीच में पैसे कमाइए। तो बहुत ही शानदार तरीके से काम कीजिए, रिजेक्शन आएंगे नो डाउट, स्टार्टिंग फेज में हर किसी को आता है, हमें भी आती है, अभी भी आती है, उसको झेलते हुए उसको सॉर्ट आउट करते हुए आप आगे बढ़ते रहिए, अपलाइन से टच में रहिए, हर एक चीजों को सीखिए, ट्रेनिंग सेशंस को हमेशा अटेंड कीजिए, है ना, कभी भी ट्रेनिंग सेशन को मिस ना करें, क्योंकि जब ट्रेनिंग सेशन में आप कंटिन्यू आएंगे ना तो आप पॉजिटिव भी रहेंगे, और हर एक जैसे कि यहाँ पे पर डे बहुत सारे कोस्ट आते हैं जो बहुत सारे ऐसे ऐसे ट्रिक आपको सिखा के जाते हैं, क्या पता आपसे हर एक कोस्ट से अलग अलग चीजें आपको सीखने को मिले, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो सेशन हमेशा अटेंड कीजिए,
और लर्निंग माइंडसेट हमेशा रखिए और जितना ज्यादा हो सके उतना मेहनत कीजिए। अब कम टाइम में भी छोटी सी टीम में भी बड़ी इनकम यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। तो थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। जी सर, थैंक यू मिस्टर पप्पू कुमार सर। जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स है, केवल और केवल 5 मिनट का और पेशेंस रखिए और अगले ये जो 5 मिनट होने वाले है ये आप बिताने वाले हो मिस्टर परमेश्वर सर के साथ में। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर परमेश्वर राजस्थान सर को, आप आइए और आप भी कुछ हमें वैल्यूबल नॉलेज शेयर करिए। जी सर। जी थैंक यू सो मच। रामदेव सर मेरी वॉइस प्रॉपर प्लीज? यस सर प्रॉपर है प्लीज कंटिन्यू। ओके थैंक यू सो मच सर। वाकई में आपने बहुत सारी चीजें क्लियर की। देखिए दोस्तों, फोर्सेस को स्टार्ट करते ही सबसे पहले आपको काम होता है एजुकेशन। हर एक लेडीज आपको बार बार, आपको हर एक सेशन में बार बार एक चीज बोला जाता है, एजुकेशन की, एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। वाकई में फोर्सेज में आप सफलता पाना चाहते हैं, फोर्सेज में आप वो मुकाम पे जाना चाहते हैं जिसके आपको और आपकी फैमिली को नीड है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। और जब आप एजुकेशन को प्रॉपर तरीके से सीखते हैं, देखते हैं और उस पर काम करते हैं, तो आपको रिजल्ट की मैं बात को बहुत बेहतरीन तरीके से आ सकता है। जस्ट सर एक बार परमिशन हो तो मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? श्योर सर जरूर। हाँ देखिए दोस्तों, अभी आपको लोगों के पास में जाना पड़ता होगा, आप फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन यही चीज आप कंटिन्यू करते हैं और पेशेंस के साथ में करते हैं ना, तो आपके पास में बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। अभी अभी हमारा ये कंडीशन हो चुका है कि हम लोगों के पास में नहीं जाते, लोग हमारे पास में चल के आते हैं। मैं कहता हूँ कि आप इस काम को प्रॉपर तरीके से करते हैं, प्रॉपर इसमें एजुकेशन में ध्यान देते हैं, तो लोग आपके पास में चल के आते हैं। मैंने तो किसी प्रकार का कोई प्लान नहीं दिया था, बेस्ट सीधा कॉल किया था, सर मेरा आपको नंबर मिला फेसबुक पे, आप रेगुलर प्रमोशन देखा, प्रमोशन आप कर रहे हैं, फोर्स में क्या है, कॉल पे बात हुई, टोकन पॉकेट बनाए, वॉलेट बनाए, आईडी के लिए पेमेंट तैयार, तो इस टाइप से हो चुका है। सेकंड में बात करूं, जस्ट सर से बात हुई, कुछ भी नहीं बोला, फेसबुक पे प्रमोशन हुआ, प्रमोशन देखते ही सर ने सीधा वॉलेट रेडी किया, यूट्यूब से वीडियो देखे और साथ में ज्वाइनिंग करने के लिए रेडी हो गए। तो इस टाइप से मेरे पास में एक नहीं है, दो नहीं है, अनलिमिटेड लोग बैठे हैं जो वेट करें कि सर से बात हो जाए, ज्वाइनिंग हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एजुकेशन में ध्यान देना पड़ेगा, फिर आपको जो आपका प्रमोशन का तरीका है, जो टीम बनाने का तरीका है, उस पर प्रोफेशनल तरीके से आप करना सीख जाएगा, आपके पास में बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा। ये चीज आप कंटिन्यू करेंगे और पेशेंस के साथ में करेंगे, तो आपके पास में एक दिन ऐसा भी आने वाला है जिस दिन आपको चलाकर नहीं जाना पड़ेगा लोगों के पास, लोग आपके पास में चलाकर आने वाले। तो सेम सिचुएशन हर एक लेडीज के साथ में होने वाली है, बस रेगुलर कीजिए, जो भी अप्लायंस की बातें उसको फॉलो कीजिए, हमेशा आपके माता पिता की बात मानते हैं, था उसी टाइप से अप्लायंस को मानिए और उनके साथ में काम कीजिए। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मिस्टर परमेश्वर सर। अभी हमारे साथ में एक और को होस्ट है मिस्टर टीसी सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जस्ट 1 से 2 मिनट और बने रहिएगा गाइज, और उसके बाद में ओवर करते हैं सेशन को। सो वेलकम टू यू मिस्टर टीसी सर। ओके थैंक यू सर, और बहुत बहुत सर धन्यवाद आपके लिए। और जस्ट लेट्स मैं अपनी यहाँ जर्नी को आई थिंक सर आपके नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम है। हेलो वॉइस नहीं आ रही सर। जी सर। हेलो जी सर, आवाज आ रही है आपको? यस यस आ रही है सर। मेरी आवाज क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर है सर। ओके तो मेरा नाम टीसी सिंह और सागर डिस्ट्रिक्ट एमपी से मैं बिलोंग करता हूँ। और मेरी 4-7 की जर्नी से पहले मैं पहले प्रोडक्ट इंडस्ट्री में काम कर रहा था, और काम करने के बाद जस्ट मैं यहाँ आया। तो अभी रामदेव सर जैसे बता रहे थे, कई लीडर्स की तरह मेरे भी ये कहानी है कि मेरे पास भी 4-7 को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे पैसे नहीं थे, मेरे सीनियर लीडर के द्वारा मेरी ज्वाइनिंग लगाई गई। और ज्वाइनिंग लगाने के बाद मैंने यहाँ पे देखा 4-7 में, पहले भी मैं भी इस सिस्टम को बहुत ज्यादा मैंने, और मेरे कई लीडर्स जो उन्होंने ग्रुप में मुझे ज्वाइन करके रखा हुआ था, तो मैंने बहुत सारा इग्नोर करा। क्यों करा? क्योंकि मेरे मेरे पास मेरे ऊपर जो अदर इंडस्ट्री का जो बहुत सवाल था। लेकिन जैसे ही मैंने 4-7 को देखा, लीडर्स मैं आज बताऊँ, मेरी 7 महीने की जर्नी हो चुकी है, और 7 महीने की जर्नी में मैंने यहाँ से समथिंग ये देखेंगे आपकी, मैंने 4-4.5 लाख रुपए की यहाँ पे अर्निंग कर चुके हैं। और 4-7 के अंदर ये अर्निंग करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सर मेरे लिए खुशी की सबसे बड़ी बात खुशी की ये है कि मेरी टीम के अंदर ऐसे 20 से 25 लोग ऐसे हैं जो लखपति बन चुके हैं। कई सारे लीडर्स ऐसे हैं जो मेरे साथ काम करके मैंने उनसे सीख के और उनको सिखा के जो मुझ पे आता था और करके मैंने यहाँ से बहुत बड़ा काम करा हुआ है। और लीडर्स ये बात बताने का मेरा ये है
कि ये सारी चीजें जो मैं सीख पाया हूँ, मैंने जो अपना टीम ग्लोबल का सेशन चलता है उस सेशन में तो मैंने सीखा ही, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे जो इस बिजनेस को ग्रोथ करने में जो मुझे चीजें मिली हैं, सीखने को मुझे जो मिला है फोरसर्च के बारे में, तो मैं समझ गया था कि ब्लॉकचेन क्या होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, लेकिन स्ट्रक्चर का एल्गोरिथम क्या होता है, तो मैं ये सेशन में सीखा यहाँ पे 2 बजे के सेशन में आके। और इसके लिए मैं रामदेव सर को मैं हमेशा से कहता हूँ कि सर के लिए जो मैं धन्यवाद जो कहता हूँ, ये धन्यवाद मेरे लिए बहुत छोटा पड़ता है, और सर के लिए सर बारंबार प्रणाम, और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि ये हमें सारी चीजें आप सिखा रहे हैं। और लीडर्स, मैं यहाँ एक मैसेज जो है मेरी तरफ से, मैसेज मैं एक ही देना चाहूंगा यहाँ पे, कि मैं अक्सर मैंने 2-3 बार मैं बोल चुका हूँ इसको, कि आप सेशन में आए और 3 बातों का यहाँ पे ध्यान रखें, कि 3 जो मूल मंत्र हैं सेशन में वो ये हैं, पहला ट्रेनिंग, दूसरा ट्रेनिंग, तीसरा ट्रेनिंग। पहला ट्रेनिंग वो जो हमारे गुरुदेव हमें दे रहे हैं अभी, दूसरा ट्रेनिंग वो हमें हमारी जो डायरेक्ट डाउनलाइन है हम उसको शेयर करना है, और उस डायरेक्ट डाउनलाइन से कहना है कि आप अपने डायरेक्ट डाउनलाइन में शेयर करो। ये अगर चीज आप करते जाते हैं तो बिजनेस में आप बहुत बड़ा काम यहां से कर सकते हैं। और बाकी सर गुरुदेव रामदेव सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो मुझे इस मंच पे आपने बोलने का मौका दिया, और टाइम का थोड़ा सा इशू है, बोलना तो बहुत कुछ चाह रहा था, और बाकी फिर से आपका एक बार और धन्यवाद। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, डेफिनेटली बहुत जल्दी आपको मौका मिलेगा, एंड डेफिनेटली आप पूरी जर्नी हमारे बीच में शेयर करोगे, बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत मेहनत से आप यहाँ तक पहुँचे हो, डेफिनेटली हमें भी सीखने का आपसे मौका मिलेगा। तो जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं दोस्तों, लग जाइए, दिल खोल के काम करिए, दिमाग में किसी भी प्रकार से कोई भी डाउट मत रखिए, कोई संशय मत रखिए। आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ को चेंज करने वाले प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर चुके हो, एंड डेफिनेटली यहाँ से आपकी लाइफ चेंज होगी। बस शर्त यही है, आपको काम करना है, मेहनत करनी है, एंड आपको सक्सेस पाने के काबिल अपने आप को बनाना है। सक्सेस उनको नहीं मिलती जो सक्सेस की चाह करते हैं, जो पाना चाहते हैं, सक्सेस उनको मिलती है जो सक्सेस के काबिल होते हैं, और आपको अपने आप को उस काबिल बनाना है। और काबिल वही है जो बस मेहनत करता है, जैसी भी होता है वो अपना 100% देता है। तो बस इसी के साथ में आज का हमारा ट्रेनिंग सेशन समाप्त होता है, बट कल इसी टाइम पे आप लोग तैयार रहिएगा फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, अपनी पूरी टीम के साथ में। और